और आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और अभी 11:30 हो रहा है तो इसलिए गुड मॉर्निंग कर रही हूँ। और आज जा रही हूँ बनाने पालक पनीर की सब्ज़ी। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करती हूँ, आप लोगों को दिखाती हूँ कैसे मैं बनाती हूँ पालक पनीर की सब्ज़ी। सब लोग अपने अपने तरीके से बनाते हैं, मेरा अपना अलग तरीका है। और भाई मैं आज वैसे भी ज़्यादा ऐसे ही बना रही हूँ सिंपल तरीके से, क्योंकि मेरी ज़्यादा थोड़ा सा तबीयत भी ठीक नहीं है, थोड़ा सा मुझे सर्दी है, तो नॉर्मल तरीके से ही बनाऊँगी। वे भी आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ। और देखिए सर्दी लगी इसलिए सांस भी सही से ले नहीं पा रही हूँ, हाँफ रही हूँ, और दूध भी चढ़ा है मेरा, दूध ना निकल जाए आप लोगों से बात करते करते। तो बस और दिखाती हूँ आप लोगों को बैक कैमरा करके कि क्या क्या मैंने चीज़ें ली हैं बनाने के लिए पालक पनीर सब्ज़ी, और फिर देखिए कैसे बनाती हूँ। और भाई वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दिया करिए, लाइक नहीं करते हैं, लाइक बहुत कम आते हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से, और बगल में जो बेल आइकन आती है ताकि मेरी आने उसको भी प्रेस करिए ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए पालक पनीर की सब्ज़ी कैसे बना रही हूँ भाई। तो फ्रेंड्स मैंने पालक पनीर बनाने के लिए यहाँ पे पनीर लिया है 250 ग्राम है, और प्याज लहसुन अदरक को मैंने मिक्सी जार में डाल के पीस लिया है, और टमाटर को भी पीस लिया है, और पालक को बॉईल करके पीस लिया है मैंने, 2 गड्डी पालक थी मेरी। और मसाले मैंने हल्दी मिर्च गरम मसाला है और धनिया पाउडर है, सब्जी मसाला थोड़ा सा लिया है मैंने, तो इन सभी को मैंने थोड़ा सा पानी डाल के उसका घोल बना लिया है। और पनीर को मैं तेल में डाल के फ्राई कर लूँगी रिफाइंड ऑयल में। और पनीर को फ्राई करने के बाद जो भी ऑयल ज़्यादा होगा तो मैं उसको एक्स्ट्रा ऑयल निकाल दूँगी उसका, तो मैं उतना ही तेल लूँगी जितना मुझे तड़का लगाने के लिए चाहिए सब्ज़ी को बनाने के लिए। ये मैंने तेल निकाल दिया है, और फिर मैंने इसमें जीरा और एक करी पत्ता डाला है, और हींग डाल के इसका तड़का लगा दूँगी। और फिर मैंने जो प्याज और लहसुन अदरक का पेस्ट बनाया था उसको भी मैं फ्राई कर दूँगी और अच्छे से करीब 5 मिनट तक भूनूँगी। और इसको भूनने के बाद जो भी मैंने मसाले लिए थे इसको मैं इसमें ऐड कर दूँगी, और फिर मैं करीब जब तक तेल मेरा छूट ना जाए, इसमें तेल ना छूटने लगे तब तक मैं इसको पकाऊँगी। और ये देखिए मेरा तेल भी छोड़ दिया है मसाले में, तो मैं इसमें टमाटर जो मैंने पीस के रखा है उसको मैं ऐड कर दूँगी, और फिर मैं 5 मिनट पकाऊँगी इसको। जो मैंने पालक को पीस रखा है उसको भी मैं ऐड कर दूँगी, और फिर से मैं करीब 10 मिनट तक पकाऊँगी, और 10 मिनट पकाने के बाद ही मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। और पानी आपको अपने हिसाब से ऐड करना है, गाढ़ी ग्रेवी रखना चाहते हैं या पतली ग्रेवी रखना चाहते हैं, तो जैसी भी आप ग्रेवी रखना चाहते हैं उस हिसाब से आप इसमें पानी ऐड करिए। और फिर इसको खौला लेना है मुझे, खौलाने के बाद ही मैं इसमें पनीर ऐड करूँगी, और बस फिर 5 से 10 मिनट फिर पकाना है और फिर पक जाएगी। और फ्रेंड्स फिर इसके बाद अगर आपके पास क्रीम या फ्रेश मलाई है तो वो ऐड कर दीजिए, पर मेरे पास है नहीं है तो मैंने नहीं ऐड किया है इसमें, अगर आपके पास है ऐड करिए तो और भी अच्छा टेस्ट आएगा। लेकिन ऐसे भी बहुत अच्छा टेस्ट आया था भाई, मैंने तो खाया बहुत अच्छा टेस्ट आया। और आप लोगों को वीडियो रेसिपी कैसी लगी तो ज़रूर मेरे को बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बगल में जो बेल आइकन आती है उसको भी प्रेस करिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। तो आज के लिए इतना ही, बस बाय बाय फ्रेंड्स, मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में।